अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, होप यू ऑल आर डूइंग गुड। फर्स्ट ऑफ़ ऑल वेलकम टू दी अनदर वीडियो। आज की वीडियो मेरे लिए बहुत स्पेशल है और होप सो आप में से बहुत सारे लोगों के लिए भी स्पेशल होगी, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको मिलवाने वाली हूँ, दिखाने वाली हूँ यूथ क्लब के जेम्स एंड ज्वेल्स इंशाल्लाह। ये इवेंट 3 दिसंबर इस्लामाबाद में हुआ, E11, इससे ज़्यादा क्या बताऊँ। यस, तो चलें स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो। हमारा सफ़र जो शुरू होना था वो होना था सुबह 8:30 पे, मगर एज़ यूजुअल हमेशा की तरह मेरे साथ लेट आवाम, और जो मैंने लास्ट डेडलाइन दी थी 9 बजे की, वो जाकर 10 बजे पे रुकी। फिर 10 बजे हम लोग निकले E11 की तरफ रवा दवा, साथ साथ खूबसूरत सा इस्लामाबाद। और इसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह विद इन 20 मिनट्स हम लोग यहाँ पर पहुँच गए अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब चलते हैं अंदर। आदका, मैं कौन हूँ? आप अंजलि भैया की बिराहिर। मूसा अलैहि सलाम को फॉलो करने वाले, ईसा अलैहि सलाम को फॉलो करने वाले अपने जमाने के मुसलमान थे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उन्हें किया था और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया कि तुम जरूर ब जरूर अहलुल किताब के नक्शे कदम पे चलोगे हर मामले में। हमें रिफ्लेक्ट। अब यहाँ से मैं थोड़ी देर के लिए जो किड्स सेक्शन था वहाँ पे गई, क्योंकि जितनी भी मदर्स थी ना, उनके बच्चे यहाँ पर जो वॉलंटियर्स थे उन्होंने कंट्रोल किए हुए थे, और बहुत मज़े की उनको एक्टिविटीज़ करवाई जा रही थी, गिफ्ट्स दिए जा रहे थे, और बड़ा इंटरेस्टिंग था। और इस साइड पे स्टॉल भी थे काफ़ी सारे, तो मैंने स्टॉल्स का विज़िट किया और यहाँ पर बच्चों को देखा मिली, और माशाल्लाह अमेजिंग। मुझे सबकी आवाज़ नहीं आई, जब तक सबकी आवाज़ नहीं आएगी तब तक हम आगे नहीं चल सकते। और अभी हमने मैंने पूछा कौन नहीं आया। ओके, बाकी सब आए, आप आगे आ जाओ। आप हाँ, उनकी तस्वीर सीने की जीनत जिस तरह फूल से होती है चमन की जीनत। आप सबका आना कबूल फरमाए। और आई डोंट नो, हमेशा ऐसा क्यों होता है कि सिस्टर्स माशाल्लाह बहुत ज़्यादा तादाद में होती हैं और ब्रदर्स जो है ना एज़ कम्पेयर टू देम कम होते हैं, लेकिन अल्लाह ताला जो जो आए हैं
उनका आना, उनका एक कदम हम सब की निजात का बायस बनाए। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपने कौन यूथ क्लब का इवेंट, या चले मैं अपना पूछ लेता हूँ, मुझे फर्स्ट टाइम कौन लाइव सुन रहा है, हाथ खड़ा करके बताए। ओके माशाल्लाह, तो आप सारे लोग फर्स्ट टाइम मुझे जिंदा देख रहे हैं ना। एक भाई मेरे पास कुछ दिन पहले आए, कहते हैं तो अभी मैं फर्स्ट टाइम आपको जिंदा देख रहा हूँ। मैंने कहा यार क्या बात है, सो ब्यूटीफुल। तो लेकिन 10 लोग एक लगेगा हर चीज देखी हुई आप लोगों ने, कुछ तो छोड़ दिया करें आप लोग। जिंदगी में जो डिफरेंट हालात और वाकयात होते हैं ना, वो लोगों को रिवील करते हैं कि वो शख्स कैसा है, वो इंसान कैसा है। समटाइम्स आप किसी इंसान को बहुत दलेर, करेजियस, जेनरस समझ रहे होते हैं, और उनको पेरेंट्स ने भी सपोर्ट नहीं किया। शी लेफ्ट इस्लाम कंप्लीटली, लेफ्ट इस्लाम। तो ऐसा कुछ लोग होते हैं जो माशाल्लाह सब बेहतरीन चल रहा है, बट व्हाट्स इफ समथिंग हैपेंस टू देम, दे लीव प्रेइंग, दे लीव इस्लाम। सो दे आर कंडीशनल मुस्लिम्स। अगर इस्लाम मुझे फेवर करेगा तो मैं दीन पे हूं, अगर फेवर नहीं करेगा मैं अकेला इंसान क्या कर सकता हूं। तो याद रखें, कोई रिसर्चर है वो कहते हैं कि 98% ऑफ द ह्यूमंस आर फॉलोअर्स। भेड़े बकरियां होती हैं, शीप मेंटालिटी होती है, उनकी हर्ड मेंटालिटी होती है, ओनली 2% ऑफ देम आर लीडर्स। आज यहां से डिसाइड करके जाएं कि आई विल नॉट बी इन्फ्लुएंस्ड, आई विल बी इंस्पायर्ड। आई एम नॉट अ फॉलोअर, आई एम अ लीडर। आई एम नॉट अ कंटेंट कंज्यूमर, रादर अ कंटेंट क्रिएटर। आप सहाबा को देख लें, खुतबा है हुज्जतुल विदा में कितने सहाबा थे, 1,14,000 के ऊपर नीचे। हाँ, कितने सहाबा ने अपनी लाइफ का प्रोजेक्ट डिफाइन किया और उनका नाम हदीस पे है। आप सही हदीस देखें, आप ज़ईफ हदीस देखें, आप फैब्रिकेटेड देखें। आप अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय नेम इज अब्दुल्ला कुरैशी। इट फील्स, आई फील सो हैप्पी टू बी हियर। थैंक यू यूथ क्लब, थैंक यू ज़िया भाई, ताहा भाई, सारे मेरे आइडल्स जो है ना चेंज होते गए ओवर द पास्ट वन ईयर। द पीपल आई यूज टू लुक अप टू, क्या इस तरह स्टेज पे जाके परफॉर्म करना है, होता है कि इस तरह स्टेज पे जाके परफॉर्म करना है। जिसके पास झोली है ना प्याला है, भिखारी को जिसे फिर सो हवस ने मार डाला है, तेरे दरबार में लाया हूँ अपनी अब जबूं हाली, तेरी चौखट के लायक अमल से हाथ है खाली, ये तेरा घर ये तेरे अहर का दरबार है मौला, सरापा नूर है एक मोहब्बत अनवार है मौला, तेरी चौखट के जो आदाब है मैं उनसे खाली हूँ, नहीं जिसको सलीका मांगने का हो सवाली हूँ, इलाही तेरी। 2012 से ही हमें, बल्कि इन्होंने अपने साथ ट्रैवल कराते कराते हमें बहुत सारा कुछ सिखाया, और मैं पर्सनली खुद भी इनको पर्सनली असिस्ट कर रहा हूँ, असिस्ट इन टर्म्स ऑफ एज अ लव एंड एज अ टोकन ऑफ लव। उस्ताद का होना चाहिए उसमें, हम मैं करता हूँ मेरी CEO उस्ताद राजा ज़ियाउल्लाह भाई को तो प्लीज स्टेज पर और आपके सामने इंशाल्लाह अपने रिफ्लेक्शन रखें। आप लोगों की तकबीरात के साथ आई नो थोड़ा सा इमोशनल हो गया, अब्दुल्ला ने माशाल्लाह काफ़ी ज़रा इमोशनली भी हमें चार्ज अप कर दिया, लेकिन तो आप लोगों की तकबीरात के साथ ज़िया भाई को ऑन स्टेज बुलाते हैं। तकबीर, तकबीर, तकबीर। अल्हम्दुलिल्लाह,
पहले आपने जिक्र किया था कि ये बात थोड़ी सी जरा हैरान होने और चौंका देने वाली है कि भाई काफिर हो जाओ मुनाफिक ना हो, लेकिन उनका जो कहने का मकसद ये था कि प्लीज अपने साथ ये जुल्म ना करना कि तुम मुनाफिकों के सब में चले जाओ, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, आपने फरमाया कि जो दो नमाजें सबसे भारी होती हैं मुनाफिकीन के लिए, एक वो फजर की नमाज है और एक वो इशा की नमाज है। जो मुनाफिकीन का रहना वो आहिस्ता आहिस्ता फैल रहा है, इससे पहले कि पूरा ही मामला खराब हो जाए उससे पहले इंसान को अपने आप को बदल लेना चाहिए। और यहां पर मैं आपको बताऊं कि ये इतनी एक खतरनाक चीज है कि हमें तो आइडिया भी नहीं होता कि हमारे अंदर मुनाफिक जो ना मुनाफिकत के जरासीम पैदा हो रहे होते। मिसाल के तौर पर पहली बात थी जब बोले झूठ बोले। हमारे यहाँ अगर आप ऐसे लोगों से इंटरव्यू लें और जाके पूछें कि भाई आप अल्लाह और उसके रसूल को मानते हैं, तो यकीनन आपको लोग ये कहेंगे जी ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, जब बोले झूठ बोले। दूसरा फरमाया जब वादा करे वादा तोड़ दे, और यहाँ वादा तोड़ने से मुराद एक तो बड़े बड़े वादे होते हैं ना जो हमने किए होते हैं, एक वो छोटे छोटे वादे भी होते हैं। और जो हमारे अंदर आपको पता है पाकिस्तान के अंदर एक स्टैंडर्ड चीज़ बन चुकी है कि वादा तोड़ना तो मजाक है, यानी कि मिसाल के तौर पर मैं अगर आपसे कहता हूँ कि जी आप मेरे घर ट्रेन में बैठे हो, वो ट्रेन जो है वो 100 किलोमीटर एन आवर पर ट्रैवल कर रही है, अचानक से आप उठे आपने कहा यहां मैं कैसे आ गया, किसी से बाहर देखा सीनरी जो है वो अनफेमिलियर है, यू डोंट नो वेयर। तो ये सवाल ना हर इंसान की जिंदगी में आते हैं, खास तौर पे ये रात को तकरीबन 1:30 बजे के आसपास आते हैं, स्पेशली अगर अगले दिन आपका पेपर हो फिर तो बहुत ही जोर से आते हैं। तो मेरे साथ भी ऐसा ही मामला था कि अगले दिन हमारा पेपर था, मैं और मेरा ये पोर्चुगीज दोस्त बैठे हुए, तो रात को 2 बजे सीजर नाम था इसका, इसको सवाल सूझ रहा है, तो मुझे कहते हैं ज़ियाद टेल मी समथिंग यू आर मुस्लिम राइट, मैंने कहा यस सीजर, आई मीन ये आउट ऑफ नोवेयर कौन सा सवाल है, अगले दिन पेपर है डेटाबेसिस का, तू सवाल क्या पूछ रहा है, तो कहते हैं यू आर मुस्लिम राइट, मैंने कहा यस ऑफ कोर्स आई एम मुस्लिम, कहते हैं बट द थिंग इज क्योंकि वो खुद क्रिश्चियन था लेकिन इतना प्रैक्टिसिंग क्रिश्चियन नहीं था, तो मुझे कहते हैं कि यू सी आई हैव स्टडीड समथिंग अबाउट इस्लाम, हम लोग जब क्लास 7th 8th में थे तो हमें कुछ, लेकिन आप यकीन करेंगे सवाल उसमें ना इसने मेरी रातों की नींदें उड़ा, क्योंकि सीजर ने मुझे मेरा मुनाफिकाना चेहरा जो है ना दिखाना शुरू कर दिया कि तुम कहते कुछ और हो करते कुछ और हो, कहते तुम ये हो कि तुम अल्लाह को मानते हो अल्लाह के रसूल को मानते हो, क्योंकि मैं डिनाई नहीं करता था कि अल्लाह एग्जिस्ट नहीं करता, डिनाई मैं नहीं करता था, लेकिन बस वही होता था इंसान गुनाहों में जाता है तो फिर वो अपने लिए कोई ना कोई जस्टिफिकेशन निकाल लेता। एक और दफा क्या हुआ, इसी 2 महीने गुजरने के बाद मेरा एक और दोस्त ने ना मुझे इंसल्टिंगली कहा कि मौलवी हो गया। अच्छा यार वो यहाँ मौलवी हो गया, नहीं यार मौलवी हो गया यार, इतना पढ़ लिख के मल्टीनेशनल का काम करके मौलवी हो गए। मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह मौलवी हो गए, मौलवी इज अ वेरी नोबल टर्म इन आवर दीन, यानी हमारे जो बड़े लोग होते थे उनको मौलवी या मौलाना कहा जाता था, ये मौला वाले लोग हैं, ये अल्लाह वाले लोग हैं, जिस तरह हम कहते हैं अब्दुल्ला, सबसे प्यारा नाम अल्लाह को जो लगता है वो अब्दुल्ला और अब्दुर्रहमान है, ये अल्लाह के बंदे हैं। तो ये कैसे हो गया कि ये गाली बन गया, तो वी हैव टू लर्न टू बी कॉन्फिडेंट मुस्लिम्स। मौलवी का एटीट्यूड कैसे तशरीह है कि बिकमिंग कॉन्फिडेंट मुस्लिम्स, अपने इस्लाम के बारे में फख्र महसूस करना कि अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारा दीन है, रदीतु बिल्लाहि रब्बा व बिल इस्लाम दीना व बि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी, मैं राजी हूं कि अल्लाह मेरा रब है, मैं राजी हूं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे आखिरी रसूल है और रोल मॉडल है, और मैं राजी हूं कि मेरा वे ऑफ लाइफ इस्लाम है, ये हमारा रवैया होना चाहिए। तो आज हम किस तरह से इस लेगेसी में वापस जा सकते हैं, किस तरह से उस वे ऑफ लाइफ में जा सकते हैं जो हमारे नबी ने हमारे लिए छोड़ा था। आप देखें कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को जो فتنقلبوا خاسرين
اے میری قوم, ملک شام یا بیت المقدس کی اس مقدس سرزمین میں داخل ہو جاؤ جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دی ہے, اور اپنی پشت پر پیچھے نہ پلٹنا ورنہ تم نقصان اٹھانے والے بن کر پلٹو گے. Yes, there is a very special version in Jerusalem. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں کوئی کشمیر آرٹسٹ تو نہیں ہوں, بٹ ایک بہت ہی زبردست خان میرے دل کے بہت قریب ہے, اور ایکچولی اٹ از ڈیڈیکیٹڈ ٹو آل دوز گوئنگ تھرو ڈیفیکلٹ ٹائم. ان شاء اللہ کوئی کمی ہوتا ہے اس کو معاف کیجیے. بہت ٹائم کے بعد میں نے ایک بلاگ ڈالا اور لٹرلی مجھے بہت اچھا لگا اس کو ایڈٹ کرتے ہوئے, اس کو بناتے ہوئے سارا کچھ. اور ہوپ سو آپ کو بھی اچھا لگا ہوگا. آپ اپنے آنیسٹ ریویوز جو ہیں آپ وہ کمنٹ سیکشن میں لیو کر سکتے ہیں. انشاءاللہ پھر کبھی سون کسی نیو ایونٹ میں اس کے ساتھ ملیں گے, یا ہو سکتا ہے کسی نیو اپڈیٹ کے ساتھ. انشاءاللہ دعاؤں میں یاد رکھیے گا, اور اپنے ریویوز کو شیئر کرنا مت بھولیے گا. Keep sharing and watching. Jazakallah khair. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.